Now we will learn about wild animals, जंगली जानवर. वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. Domestic animals को हम अपने घरों में रख सकते हैं, लेकिन wild animals को हम घरों में नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या होते हैं? बहुत powerful होते हैं, जिन्हें हम अपने घर में नहीं रख सकते. तो सबसे पहला है lion. Lion मतलब शेर, जंगल का राजा. फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी. आपको पता है सबसे क्लेवर एनिमल कौन है? फॉक्स. टाइगर, टाइगर मतलब चीता. टाइगर इज आर नेशनल एनिमल. लेपर्ड, सबसे तेज भागने वाला जानवर, जिसे हम चीता कहते हैं. हिप्पोपोटामस मतलब गैंडा. नेक्स्ट बियर, भालू. भालू को शहद खाना बहुत अच्छा लगता है. भालू को आप जब भी शहद देंगे तो वो खा लेगा. लेकिन बच्चों, वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? बहुत खतरनाक होते हैं. इन्हें हम जू में देख सकते हैं, चिड़ियाघर में. और ये कहाँ रहते हैं? ये जंगल में रहते हैं. जिराफ, जिराफ की क्या होती है? लंबी गर्दन होती है. देखो कितना लंबा एनिमल है, सबसे टॉलेस्ट एनिमल है जिराफ. जीब्रा, जीब्रा इज ऑल्सो अ वाइल्ड एनिमल. देखो इसकी बॉडी पर ब्लैक और वाइट स्ट्रिप होती है. द नेक्स्ट वन इज एलिफेंट. एलिफेंट मतलब हाथी, सबसे बड़ा जानवर. हाथी देखो कितना बड़ा होता है. इसको क्या खाना पसंद है? हाथी को अच्छा लगता है शुगर केन, मतलब गन्ना. नाउ द टाइम फॉर सम आंसर्स. विच इज आर नेशनल एनिमल? हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर. विच एनिमल हैज गॉट अ टॉल नेक? कौन से एनिमल की लंबी गर्दन होती है? चलिए बताइए पिक्चर में देख के. यस यू आर राइट, जिराफ. जी आई आर ए डबल एफ ई, जिराफ. नेक्स्ट, नेम द एनिमल दैट हैज स्ट्रिप्स ऑन इज बॉडी. कौन से एनिमल की बॉडी पर क्या होती हैं? स्ट्रिप्स होती हैं. तो किसकी होती हैं? जीब्रा की. जेड ई बी आर ए, जीब्रा. Now the time for some memories. Wild animals are also found in a zoo or in a national park. Wild animal हमें चिड़ियाघर में देखने को मिल सकते हैं, और कहाँ मिलते हैं? National parks में. Now the time for some activity. अब हम बहुत interesting सी एक activity करेंगे. Look at the pictures of the following animals. कुछ animals की picture दी हुई है, उनको बहुत ध्यान से देखिए. And fill in the missing letter for each of them. और जो letter missing है, उनको लिख कर क्या करना है? हमें वो name complete करना है. किसका name? Animal का. तो सबसे पहली picture बताइए बच्चों किस चीज़ की है? सबसे पहली पिक्चर है गोट की. गोट के क्या स्पेलिंग होते हैं? जी, इसके बाद क्या आएगा? ओ ए टी, जी ओ ए टी, गोट. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ शीप, एस एच डबल ई पी, शीप. नेक्स्ट पिक्चर चलिए बताइए किस चीज की है? काउ की है? हॉर्स की है? नो, ये पिक्चर है डोंकी की. तो हम क्या लिखेंगे? डी, डी ओ एन के ई वाई, डोंकी. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ, बताइए किसकी है? यस यू आर राइट, नेक्स्ट पिक्चर है डॉग, डी ओ जी, डॉग. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पिक्चर देखने से पता चल रहा है किसकी है? ये पिक्चर है हॉर्स की. हॉर्स के क्या स्पेलिंग होते हैं? H O R S E, horse. And the last picture, cow, C O W, cow. Cow मतलब गाय. गाय हमें दूध देती है.
आपको पता है गाय की पूजा भी की जाती है, इन्हें हम गौ माता कहते हैं। तो बताइए बच्चों, ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है कैमल की, सी ए एम ई एल, कैमल। नेक्स्ट पिक्चर में कौन है? बहुत प्यारी सी कैट, सी ए टी कैट। द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ बफेलो, बी यू डबल एफ ए एल ओ, बफेलो। बफेलो मतलब भैंस। द लास्ट पिक्चर इज ऑफ ऑक्स, ओ एक्स ऑक्स।